अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन। मुझे कहा गया था कि मैं किसी भी अच्छे से शीट मार्क्स या मार्क्स वगैरह के ऊपर भी कोई वीडियो वगैरह बना दूं, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर मंगवा लिया है और मैंने सोचा कि मैं आप लोग को इसका रिव्यू भी दे दूं कि किस तरह का कौन सा मार्क्स सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो है ये लिप मार्क्स है, ये आई मार्क्स है, ये बबल मार्क्स है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है अभी भी, और ये जो है ये भी शीट मार्क्स, ये दोनों शीट मार्क्स हैं, ये भी शीट मार्क्स हैं, बट ये अंडर आई के लिए यूज़ किया जाता है, ये लिप्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये बबल मास्क है हाइड्रेट करने के लिए, फेशियल के बाद भी यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मली भी अगर आपने इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जैसे आप किसी के घर जा रहे हैं, पार्टी वगैरह में आप जा रहे हैं, तो आप इन मास्क को यूज़ करके अपना फ्रेश लुक ले सकते हैं, और बेस इनसे ना बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा बैठ जाता है आपकी स्किन के ऊपर, जितनी भी इंस्टेंट डेड रिमूविंग वगैरह होती है ना स्किन की, वो हो जाती है इससे। ये डीप हाइड्रा है वाइटामिन सी के साथ है, बट इसके अंदर 7 मतलब क्या वाइटामिन इंक्लूड किए गए हैं। ये एक मास्क की तरह है, देख सकते हैं इसके ऊपर पैटर्न रखा हुआ है, कैसे यहाँ से सील ओपन करना है और उसके बाद ये डीप हाइड्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आपने क्या करना है, मास्क को यहाँ से सील ओपन करना है, इसका मास्क निकालना, अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है और उसको ड्राई होने तक अपने फेस के ऊपर लगे रहने देना है। आप जब तक रेस्ट कर लीजिए ताकि अच्छे से आपकी स्किन के ऊपर जो है ये अपना रिज़ल्ट दे सके, और उसके बाद जितना भी इसके अंदर सीरम होगा वो आपने उसी शीट मास्क के ऊपर अप्लाई कर देना है। अगर वो आपके लिए काफ़ी है तो आपने इसे अपने हाथों पर, नेक पर और फुट्स पर इसे यूज़ कर लेना है, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा सीरम होता है, इसमें अच्छा खासा सीरम होता है, कि इसमें 2 शीट मास्क आराम से यूज़ किए जा सकते हैं। देन अगेन हम आ जाते हैं बबल मास्क की तरफ। ये देख सकते हैं आपने, इसी तरीके से ये इमेजेस वालों का है और ये बायो एक्वा वालों का है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, आपने बिल्कुल वैसे ही सील ओपन करनी है, मास्क निकालना है, अपने फेस पर अप्लाई करना है, इसे ड्राई होने देना है, तकरीबन 20 to 25 मिनट्स आपको ये अप्लाई रखना है। उसके बाद इसका सीरम है, चाहे तो आप अगेन अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने हैंड्स पर और नेक पर अप्लाई कर सकते हैं इसके सीरम को। ये दोनों हो गए फेस के। ये जो है ये अंडर आई मास्क है, देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आँख के नीचे, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया देख सकते हैं आप, ये आँख के नीचे आपने इसे अप्लाई करना है, यहाँ से सीधा है, यहाँ से सीधा, आई थिंक सो ये यहाँ से सीधा है इसके अंदर ना 60 पीसेस होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये आई मास्क है और ये जो है रिलीफ देता है जिनको डार्क सर्कल वगैरह होते हैं, या जिनकी आँख के नीचे वाली जो साइड होती है ना, ये वाली साइड, ये इस पर सूजन हो जाती है। तो आप ना इस मास्क को अप्लाई करें, इस तरह से इसके जो है कट्स होते हैं और ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाता है आपके अंडर आई पर, और बहुत ही अच्छा इससे रिज़ल्ट मिलता है इंस्टेंट रिलीफ के लिए, आप इसे यूज़ कीजिए। साथ में आप ये लिप मास्क को यूज़ कीजिए, इसके अंदर रेड कलर के होते हैं और सीरम भी ऐड होता है। ये 50 पीस का एक सेट होता है, मेंशन होती है इस पर एक्सपायरी, सब कुछ मेंशन होता है 24 की ये है, देख लीजिए सब कुछ इस पर बारकोड वगैरह मेंशन है, और ये आपको इजीली मिल जाती है इंस्टेंट रिलीफ के लिए। ये हो कहलाते हैं शीट मास्क, मास्क फेस मास्क, जो भी आप इसको कहना चाहें कह सकते हैं, और इनके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप चाहें तो इंस्टेंट रिज़ल्ट के लिए जो फेशियल क्लींजर वगैरह नहीं कर सकते, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।